गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने जाना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं और उसके बेस क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है। ये आपको पहले से पता, आपने इसको नोट कर लिया होगा कॉपी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। किस तरह से जब आपका क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी नंबर आपको बताया गया था कि जो भी बाइनरी नंबर होता है वह 0 और 1 पे कार्य करता है। जो भी कंप्यूटर हमारा समझता है लैंग्वेज, वह 0 और 1 पे लैंग्वेज को समझता है। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। किस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी से लेके डेसिमल। अब ये डेसिमल कैसे पता चल रहा है, ये आपका नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस इसका दिखाई दे रहा है, इसका बेस 10 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप कुछ स्पेस दे करके ऐसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद से आप पावर लगाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे आप पावर लगाएंगे। तो पावर लगाने के लिए आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से आप पावर लगा लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी के लिए आपका बेस कितना होता है, 2। तो बाइनरी के लिए बेस कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इस तरह से हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इक्वल लगा देंगे। इक्वल लगाने के पास यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। और ऊपर आपका जो पावर है मल्टीप्लाई करके आप उस पावर को लिख देंगे। अब इसके बीच में आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये आपकी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है 0, 0 लिखेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई जो आपका पावर दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका प्लस लिख देंगे बीच में। ये आपकी पहली संख्या हो गई या दूसरी संख्या। तीसरी संख्या आपका क्या दिया हुआ है, 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1 दिया है, 1 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद से इस बीच में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और उसके बाद से आपकी चौथी जो संख्या है 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आपको करना है 2 पे पावर 0। इस तरह से इसको हमारा 4 जो संख्या दिया हुआ है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। यह देखते हैं हम एक बार फिर से, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिखेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से जो पावर दिया हुआ है उस पावर को हम लिख लेंगे। अब उसके बाद से बीच में आपका कुछ नहीं दिया है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद से सेम जैसे आप लिखे हैं पहली संख्या को, उसी संख्या को उसी तरह से लिखते हुए आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे जो पावर आप लिखे हैं इस पावर को आपको 0 से लेकर के आगे बढ़ते हुए जाना। तो सबसे पहले आप 0 से चालू करेंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 2 आपका कैसे आया है, 2 आपका बेस जो दिया हुआ है यहाँ पे 2, इस तरह से सभी में आपका बेस 2 लिख देंगे। उसके बाद से इस तरह से हम मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पे पावर अगर 3 रहता है तो उसका मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस तरह से आप स्क्वायर रूट पढ़े होंगे मैथ में, उस तरह से आप यहाँ पे लगा लेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिया है इसको आप लिख लीजिए। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते ऐड करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका 0 दिया है, 0 में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है, ये आपने मैथ में पढ़ा हो। उसके बाद से यहाँ पे भी वही संख्या दिया हुआ है 2 पे, अगर किसी भी नंबर में हम 0 से गुणा करते हैं तो वह नंबर 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है,
इसके लिए आपको नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप पे 2 पे पावर 0 रहता है तो इस बाइनरी नंबर में हम 1 लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 पे अगर 0 दिया है तो अगर बाइनरी नंबर में इस तरह से दिया है 2 पे 0 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे 1 हो गया मल्टीप्लाई 2 पे अगर 0 है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 8 प्लस इसको जोड़ेंगे 0 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, इस तरह से ऐड कर लेंगे। लास्ट में ऐड करने के बाद से 9 आ गया। अब इसको आपका यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यह आंसर आपका सही नहीं होगा जब तक आप इसका बेस इस तरह से लिखेंगे नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने इसको देखा कि यहाँ पे जिस पहला क्वेश्चन जो आपने लगाया है इसका आंसर क्या आया था, 9 आ गया था। इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है होमवर्क में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 1 से लेकर के आपका 5 तक है, इस तरह से आपका बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आपने यहाँ पे सीख लिया, इसी तरह से आप घर पे प्रयास करेंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपना क्लास और आंसर क्या आया है वह जरूर लिखेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसको अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसको हम कैसे लगाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।